मुझे उसके खिलाफ मत भड़काओ, डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। मुझे उसके खिलाफ मत भड़काओ, डोंट प्रोवोक मी अगेंस्ट हिम। बॉस ने मुझे सोचने भी नहीं दिया, बॉस डजेंट इवन लेट मी थिंक। बॉस ने मुझे सोचने भी नहीं दिया, बॉस डजेंट इवन लेट मी थिंक। क्या तुम्हारे पास अपना खुद का कमरा है? Do you have a room of your own? Do you have a room of your own? क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है? Don't you have something to do? क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है? Don't you have something to do? वह नतीजे के लिए बेचैन है। He is anxious about the result. वह नतीजे के लिए बेचैन है। He is anxious about the result. लड़ने झगड़ने से बात का हल नहीं होगा। Fighting won't settle anything. लड़ने झगड़ने से बात का हल नहीं होगा। Fighting won't settle anything. क्या तुमको गाड़ी चलाना आता है? Do you know how to drive a car? क्या तुमको गाड़ी चलाना आता है? Do you know how to drive a car? इससे सस्ता वाला है क्या? Do you have one that's cheaper? इससे सस्ता वाला है क्या? Do you have one that's cheaper? कारोबार में आजकल मंदी पड़ गई है। Business is so slow these days. कारोबार में आजकल मंदी पड़ गई है। Business is so slow these days. मैंने उससे बैठ जाने का इशारा किया। आई मोशनड फॉर हर टू सिट डाउन। मैंने उससे बैठ जाने का इशारा किया। आई मोशनड फॉर हर टू सिट डाउन। उसने जैसा बताया था मैंने वैसा किया। आई डिड इट द वे ही टोल्ड मी टू। उसने जैसा बताया था मैंने वैसा किया। आई डिड इट द वे ही टोल्ड मी टू। लोग कहते हैं कि इस घर में भूत है। The house is said to be haunted. लोग कहते हैं कि इस घर में भूत है। The house is said to be haunted. यहाँ तैरना बहुत खतरनाक है। Swimming here is very dangerous. यहाँ तैरना बहुत खतरनाक है। Swimming here is very dangerous. अगर कोई आए तो उनसे कहना कि मैं बाहर गया हूँ। Tell whoever comes that I am out. Tell whoever comes that I am out. वह उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। He cannot answer their questions. वह उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। He cannot answer their questions. ऐसी कोई जगह है जहां आप जाना चाहते हो? Is there anywhere you want to go? Is there anywhere you want to go? जापान में रहना बहुत महंगा है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू लिव इन जापान। जापान में रहना बहुत महंगा है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू लिव इन जापान। इस काम को करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इट वोंट टेक लॉन्ग टू डू द जॉब। इस काम को करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इट वोंट टेक लॉन्ग टू डू द जॉब। मुझे स्टेशन के बाहर अपना एक पुराना दोस्त मिल गया। आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन आउटसाइड द स्टेशन। आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन आउटसाइड द स्टेशन। मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी अच्छाई को कभी नहीं भूलूँगा। आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस सो लॉन्ग एज आई लीव। आई विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस सो लॉन्ग एज आई लीव। बेहतर होगा कि तुम उससे सलाह ना मांगो। इट वुड बी बेटर फॉर यू नॉट टू आस्क हिम फॉर एडवाइस। इट वुड बी बेटर फॉर यू नॉट टू आस्क हिम फॉर एडवाइस। मतलबी इंसान केवल अपनी भावनाओं के बारे में ही सोचता है। अ सेल्फिश मैन थिंक्स ऑफ नथिंग बट हिज ओन फीलिंग्स। अ सेल्फिश मैन थिंक्स ऑफ नथिंग बट हिज ओन फीलिंग्स। हमें अंदर जाने से पहले जूते उतारने होंगे।
वी विल हैव टू टेक ऑफ आवर शूज बिफोर गोइंग इन. वी विल हैव टू टेक ऑफ आवर शूज बिफोर गोइंग इन. हमें लोगों की पीठ के पीछे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए. वी मस्ट नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स बिहाइंड देयर बैक्स. We must not speak ill of others behind their backs. अब से आपकी हिफाजत के लिए हम जिम्मेदार हैं. We are responsible for your protection from now on. We are responsible for your protection from now on. यह पैसा जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए. The money should be distributed to those in need. The money should be distributed to those in need. मेरे ख्याल से वह कभी भी वापस नहीं आएगा. I am of the opinion that he will never come back. I am of the opinion that he will never come back. कल रविवार था तो मैं पूरे दिन सोता रहा. I slept all day yesterday because it was Sunday. I slept all day yesterday because it was Sunday. मुझे एक दिन में काम खत्म करना नामुमकिन लगा. I found it impossible to do the work in one day. I found it impossible to do the work in one day. इतने अड़ियल व्यक्ति से मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई है. I have never come across such a stubborn person. I have never come across such a stubborn person. तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. It is necessary for you to see a doctor at once. It is necessary for you to see a doctor at once. तुम मानो या ना मानो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. It makes no difference whether you agree or not. It makes no difference whether you agree or not. इस बारिश में बाहर जाना एकदम सवाल के बाहर है. गोइंग आउट इन दिस रेन इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन. गोइंग आउट इन दिस रेन इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन. वह आसानी से मान जाने वाला आदमी नहीं है. ही इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ गाय हु गिव्स इन ईजिली. ही इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ गाय हु गिव्स इन ईजिली. उसने किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं दिया. He took advantage of every opportunity he had. He took advantage of every opportunity he had. मैं नहीं चाहता कि कोई भी गलतफहमी हो. I don't want to there to be any misunderstanding. I don't want there to be any misunderstanding. वह खबर सुनते ही रो पड़ी. She burst into tears when she heard the news. She burst into tears when she heard the news. उसकी निराशा सभी आसानी से देख सकते थे. Everyone could easily see his disappointment. Everyone could easily see his disappointment. जब लोग उसके खिलाफ जाते हैं तो वह गुस्सा हो जाता है. He tends to get angry when people oppose him. He tends to get angry when people oppose him. हम सब तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित हैं. We are all anxious about your health. We are all anxious about your health. तुम्हारे दिमाग में यह बात कैसे आई? What put such an idea into your head? What put such an idea into your head? तुम यहाँ से पूरा शहर देख सकते हो. You can see the whole city from here. You can see the whole city from here. तुमने अपनी कमीज उल्टी पहनी हुई है. You are wearing your shirt inside out. You are wearing your shirt inside out. मैंने उसे पहले देखा हुआ था इसलिए मैंने उसे पहचान लिया. Having seen him before, I recognized him. Having seen him before, I recognized him. तुम्हें आज सुबह भूकंप महसूस हुआ क्या? Did you feel the earthquake this morning? Did you feel the earthquake this morning?
जंग की वजह से बहुत सारे लोग मर गए. एज अ रिज़ल्ट ऑफ द वॉर मेनी पीपल डाइड. एज अ रिज़ल्ट ऑफ द वॉर मेनी पीपल डाइड. माफ़ कीजिएगा पर मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ. आई एम सॉरी बट आई कांट हियर यू वेल. आई एम सॉरी बट आई कांट हियर यू वेल. मुझे इस विषय पर कुछ नहीं कहना है. आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस मैटर. आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस मैटर. मैं अपनी कमाई से संतुष्ट हूँ. आई एम सेटिस्फाइड विथ माई करेंट इनकम. आई एम सेटिस्फाइड विथ माई करेंट इनकम. माफ़ कीजिएगा पर मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ. आई एम सॉरी बट आई कांट हियर यू वेल. मक्खन और पनीर दूध से बनते हैं. बटर एंड चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क. बटर एंड चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क. मुझे कभी कभी अपनी नौकरी छोड़ देने का मन करता है. एट टाइम्स आई फील लाइक क्विटिंग माई जॉब. एट टाइम्स आई फील लाइक क्विटिंग माई जॉब. आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं क्या? वुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज़. वुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज़. तुम आम तौर पर रात में खाना खाने के बाद क्या करते हो? वॉट डू यू यूजअली डू आफ्टर डिनर. वॉट डू यू यूजअली डू आफ्टर डिनर. अब मैं कुछ बोलूँ? मे आई से समथिंग नाउ. मे आई से समथिंग नाउ. उम्मीद है आप मज़े में हो. होप यू आर इन्जॉइंग योर सेल्फ. होप यू आर इन्जॉइंग योर सेल्फ. क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू से समथिंग. डू यू वॉन्ट टू से समथिंग. ऐसा गलती से हुआ. इट हैपेंड बाई मिस्टेक. इट हैपेंड बाई मिस्टेक. ऐसा तुक्के से हुआ. इट हैपेंड बाई चांस. इट हैपेंड बाई चांस. आपका कितना पैसा मेरे यहाँ बाकी है? हाउ मच डू आई ओ यू. हाउ मच डू आई ओ यू. देखते देखते भीड़ लग गई. अ क्राउड गैदर्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. अ क्राउड गैदर्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. मुझे इस मामले में मत घसीटो. डू नॉट ड्रैग मी इन टू दिस मैटर. डू नॉट ड्रैग मी into this matter. तुम इसे बिगाड़ दोगे. जैसा है वैसा छोड़ दो. You will spoil it, leave it as it is. You will spoil it, leave it as it is. आइंदा से वह इस तरह से नहीं बोलेगा. As of now, he won't speak like this. As of now, he won't speak like this. आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया है. Today, he has come out in his true colors. Today, he has come out in his true colors. Pani ke liye hahakar macha hua tha. There was an outcry for water. There was an outcry for water. Mere paas koi vikalp nahi hai. I have no alternative. Mere paas koi vikalp nahi hai. I have no alternative. तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है? वॉट हैव यू प्लान्ड फॉर योर करियर. या फिर हम कहेंगे वॉट हैव यू प्लान्ड फॉर योर फ्यूचर. समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है. अ वर्ड टू वाइज इज इनफ. अ वर्ड टू वाइज इज इनफ. तुम्हारी खराब हालत की वजह तुम्हारी आलसीपन है. Your bad condition is down to your laziness. Your bad condition is down to your laziness. मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ बल्कि वह मुझे परेशान कर रही है. I am not bothering her. On the contrary, she is bothering me. I am not bothering her. On the contrary, she is bothering me. मेरे आगे लाइन में तीन लोग खड़े थे. There were three people standing ahead of me in the queue. There were three people standing ahead of me
इन द क्यू। कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता। नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इट्स अ नाइन डेज वंडर। इट्स अ नाइन डेज वंडर। इसमें खास बात क्या है? व्हाट सो स्पेशल इन इट। इसमें खास बात क्या है? व्हाट सो स्पेशल इन इट। हम सोमवार तक ठहरे। वी स्टेड टिल मंडे। वी स्टेड टिल मंडे। तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वाई वर यू नॉट पिकिंग अप द फ़ोन। वाई वर यू नॉट पिकिंग अप द फ़ोन। क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं? शेल आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। शेल आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। वेन आई बीट हिम ही बिगेन टू अब्यूज़ मी। वेन आई बीट हिम ही बिगेन टू अब्यूज़ मी। जब मैच ख़त्म हुआ तब सभी लोग स्टेडियम से बाहर चले गए। वेन द मैच फिनिश्ड ऑल द पीपल वेंट आउट ऑफ द स्टेडियम। मैं तुम्हारे बारे में हर एक बात जानता हूँ। आई नो एवरी इंस एंड आउट्स अबाउट यू। आई नो एवरी इंस एंड आउट्स अबाउट यू। तुम्हारे सोने से पहले मैं घर आ चुका हूँगा। आई विल हैव कम होम बिफोर यू स्लीप। आई विल हैव कम होम बिफोर यू स्लीप। तुमने फालतू में उससे पंगा लिया। You messed with him for no reason. You messed with him for no reason. मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। My conscience doesn't permit. My conscience doesn't permit. खाली दिमाग शैतान की दुकान है। An idle mind is devil's workshop. An idle mind is devil's workshop. उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया। He has atoned for his sin. He has atoned for his sin. गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है। To get angry is to show weakness. To get angry is to show weakness. वह अपनी बहन से बहुत जलती है। She is jealous of her sister. She is jealous of her sister. तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया। You don't even let me think. You don't even let me think. समय के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। It is very difficult to pace with the time. It is very difficult to pace with the time. तुम्हारे बाल झड़ चुके हैं। You had suffered a hair fall. You had suffered a hair fall. हम दाईं ओर खड़े थे। We were standing to the right. We were standing to the right. आपको अंदाज़ा भी नहीं है यह सुनकर कितनी राहत मिली है। You have no idea what a relief it is to hear that. You have no idea what a relief it is to hear that. चिंता करने को एक चीज़ कम हुई। That's one less thing to worry about. That's one less thing to worry about. क्या तकदीर का खेल है। वॉट अ स्टोक ऑफ लक। वॉट अ स्टोक ऑफ लक। अंत भला तो सब भला। ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। आई रिग्रेट व्हाट आई डिड। प्लीज़ फॉरगिव मी। आई रिग्रेट What I did, please forgive me. मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं कसूरवार हूँ। आशा करता हूँ आप उसे दिल से नहीं लगाएंगे। I feel extremely guilty about what I said. Hope you did not mind it. I feel extremely guilty about what I said. Hope you did not mind it. इतना रूड होने के लिए मुझे माफ़ कर देना। पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड। पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड।
माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू। आपसे दोबारा बात करने में देरी करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। माई अपॉलोजीज़ फॉर द डिले इन गेटिंग बैक टू यू। मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहता था। Forgive me for what I said. I did not intend to hurt you. फ़ोन ना करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। I sincerely apologize for not calling earlier. माफ़ कीजिएगा I beg your pardon. रुकावट के लिए माफ़ कीजिएगा। Excuse me for interrupting. मुझे वह नहीं कहना चाहिए था। कृपया मुझ पर गुस्सा ना हो। I shouldn't have said that. Please don't be mad at me. मुझे शर्मिंदा होकर कहना पड़ रहा है कि मैंने उसका घर तक पीछा किया। I am ashamed to say I followed him home. मेरे बाल झड़ रहे हैं। क्या मैं गंजा हो रहा हूँ? My hair is falling out. Am I going bald? मेरी आँखों में पानी आ रहा है। My eyes are watery. मेरे पेट में दर्द हो रहा है। My stomach hurts. लगता है मेरे पैर की मांसपेशियाँ खींच गई हैं। I think I have pulled a muscle in my leg. मेरे पैर में मोच आ गई है। My ankle twisted. मेरी त्वचा पे खुजली हो रही है। My skin is itchy. मेरे दांत में दर्द है। I have a toothache. मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है। My joints are aching. मुझे सोने में तकलीफ हो रही है। I have been having difficulty in sleeping. मेरी एड़ी में सूजन है। I have got a swollen ankle. वह परिवर्तन बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। You must be the change you wish to see in the world. कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं। क्षमा ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. क्या आज कुछ मज़ेदार हुआ? Did anything interesting happen today? काम के बाद तुम क्या करने की सोच रहे हो? What are you planning to do after work? क्या तुम वीकेंड का इंतज़ार कर रहे हो? Looking forward to the weekend. तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो? How long have you been working here? आज तुम काफ़ी व्यस्त लग रहे हो। You seem busy all day. अगर तुम थक गए हो तो कॉफ़ी पी सकते हो। You can have a cup of coffee if you are tired.
क्या तुमने आज की न्यूज़ पढ़ी? डिड यू कैच द न्यूज़ टुडे? डिड यू कैच द न्यूज़ टुडे? इस हड़ताल के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्ट्राइक? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्ट्राइक? जो आग लगी है, क्या तुमने उसके बारे में सुना? डिड यू हियर अबाउट द फायर? डिड यू हियर अबाउट द फायर? आज के मैच के बारे में तुम्हें क्या लगता है, कौन जीतेगा? व्हाट अबाउट द मैच टुडे? हु इज़ गोइंग टू विन? व्हाट अबाउट द मैच टुडे? हु इज़ गोइंग टू विन? क्या तुमने आज का फुटबॉल मैच देखा? डिड यू सी द फुटबॉल मैच टुडे? डिड यू सी द फुटबॉल मैच टुडे? आज का दिन कितना सुंदर है ना? ब्यूटिफुल डे, इजेंट इट? ब्यूटिफुल डे, इजेंट इट? लगता है आज बारिश होने वाली है. इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन. इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन. आज के मौसम के बारे में आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेदर टुडे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेदर टुडे? आज सूर्य कितना चमकदार है. सन इज सो ब्राइट टुडे. सन इज सो ब्राइट टुडे. मैं तो तेरे रग रग से वाकिफ हूँ. आई नो यू इनसाइड आउट. आई नो यू इनसाइड आउट. तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं. द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू. द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू. मेरे पास शब्द नहीं है. आई एम स्पीचलेस. मेरे पास शब्द नहीं है. आई एम स्पीचलेस. मानना पड़ेगा, आपने कर दिखाया. आई हैव टू से यू डिड इट. आई हैव टू से यू डिड इट. अगर मुझे कुछ हो गया तो. वॉट इफ समथिंग हैपन्स टू मी? वॉट इफ समथिंग हैपन्स टू मी? मैं तुम्हारे रास्ते में अब कभी नहीं आऊँगा. नाउ आई विल नेवर कम टू योर वे. नाउ आई विल नेवर कम टू योर वे. मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ. आई वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. मैं तुम्हारे भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स. आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट योर फीलिंग्स. मुझे मनाना नहीं आता. आई डोंट नो हाउ टू परस्यूड. आई डोंट नो हाउ टू परस्यूड. मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू? व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू? तुम्हारे आने से पहले मैंने उसे फ़ोन कर दिया था. आई हैड कॉल्ड हर बिफोर यू केम. आई हैड कॉल्ड हर बिफोर यू केम. टीचर का काम होता है पढ़ाना. टीचर्स आर मेंट टू टीच. टीचर्स आर मेंट टू टीच. तुम तो फालतू में इधर उधर घूमते रहते हो. यू कीप रोमिंग हियर एंड देयर फॉर नो रीज़न. यू कीप रोमिंग हियर एंड देयर फॉर नो रीज़न. अंग्रेजी सीखने में टाइम लगता है. इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश. इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश. ये फ़ोन मुझे बहुत महंगा पड़ा. दिस फोन कॉस्ट मी लाइक अ बॉम्ब. दिस फोन कॉस्ट मी लाइक अ बॉम्ब. डरपोक कहीं का. यू आर चिकन हार्टेड. डरपोक कहीं का. यू आर चिकन हार्टेड. यह मकान किराए के लिए खाली है. दिस हाउस इज़ टू लेट. दिस हाउस इज़ टू लेट. मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है. आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी. आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी. हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं. वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स. वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स. आमना कपड़ा सिलाई कर रही थी. आमना वॉज स्टिचिंग क्लोथ्स. आमना वॉज स्टिचिंग क्लोथ्स.
तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो. यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज़ नथिंग एज सच बिटवीन अस. देयर इज़ नथिंग एज सच बिटवीन अस. बॉबी ने मुझे अच्छा खाना खिलाया जो उसकी मम्मी ने पकाया था. बॉबी मेड मी ईट द डिलीशियस फूड विच हिज़ मॉम हैड कुक्ड. बॉबी मेड मी ईट द डिलीशियस फूड विच हिज़ मॉम हैड कुक्ड. राहुल ने उसे मुझे कुछ पैसे दिलवाए. राहुल मेड मी गेट सम मनी फ्रॉम हिम. राहुल मेड मी गेट सम मनी फ्रॉम हिम. ऊपर के रूम से बॉटल लेके आओ. ब्रिंग द बॉटल फ्रॉम द रूम अपस्टेयर्स.